कंगना रनौत हिंदुइज्म की बहुत बड़ी एक तरीके से हम लोग कहेंगे बिलीवर हैं, प्लस शी ऑल्सो एडवोकेट्स हिंदू रिलीजन अमिड्स ऑल. लेकिन ऐसा क्या हुआ दैट एन अथीस्ट टर्न टू हिंदू, ये खुद कंगना अब अपनी स्टोरी में बताती हुई नजर आ रही हैं. क्या है ये पूरी खबर, चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर. हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी. कंगना रनौत हैज बीन एक्टिवली एडवोकेटिंग हिंदू रिलीजन. वो कई मौकों पर जो है हिंदू रिलीजन की संस्कृति या फिर जो भी टर्म्स होते हैं या हिंदू रिलीजन में किन चीजों को माना जाता है उनके बारे में बातचीत करती रहती हैं. कंगना ने बताया किस तरीके से वो खुद एक अथीस्ट हुआ करती थी. शी डिड नॉट बिलीव इन एनी गॉड और एनी रिलीजन. आफ्टर विच शी स्टार्टेड रीडिंग ऑल द रिलीजियस बुक्स, जिसमें उन्होंने सारे रिलीजन्स की बुक को जो है पढ़ने की कोशिश की और उन्होंने सिर्फ एक चीज पाई दैट वीमेन वर बीइंग ऑब्जेक्टिफाइड और वर बीइंग यू नो क्लेम्ड एज द सिनर या फिर सिन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ईविल है उसको वीमेन की तरह बताया जा रहा था. जिसके बाद कंगना ने जब हिंदुइज्म की बुक्स पढ़ी तो उन्होंने औरत के कई सारे रूप देखे, चाहे फिर वो माता चंडी हो या फिर माता पार्वती हो. तो इस तरीके के कई सारे जब उन्होंने औरत के रूप देखे कि किस तरीके से उनको प्रे किया जाता है इन हिंदू रिलीजन, व्हाट आर ऑल द राइटिंग्स ऑफ हिंदू रिलीजन, तो वो अपने आप ही हिंदू रिलीजन की तरफ अट्रैक्ट हुई एंड शी हरसेल्फ बिकेम अ हिंदू. तो ऐसे में कंगना रनौत ने बताया है अपना सफर फ्रॉम बीइंग एन अथीस्ट टू अ हिंदू, जिसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे जल्दी से लिखिएगा कमेंट सेक्शन में. बाकी हमारे साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार इसी तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे.